देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 2 अक्टूबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर 1, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 20 नए मामले, मौत की संख्या 0 और 30 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 158 है। नंबर 2, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 708 नए मामले आए, 694 रिकवरी हुई और 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले की कुल संख्या 7571 है। नंबर 3, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 27 नए कोविड मामले, 33 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 279 है। नंबर 4, हरियाणा में आज 18 नए कोरोना मामले, 12 रिकवरी और मौत की संख्या 0 दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 278 है। नंबर 5, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 220 नए मामले आए, 252 रिकवरी हुई और 1 की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 4599 है। नंबर 6, असम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 303 नए मामले सामने आए, 356 रिकवरी हुई और 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई, राज्य में सक्रिय मामलों की आंकड़ा 3001 है। नंबर 7, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 589 नए मामले आए, 887 डिस्चार्ज हुए और 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई, राज्य में कुल सक्रिय मामले 12469 है। नंबर 8, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 13 नए कोरोना मामले और 17 रिकवरी दर्ज की गई, इस दौरान 1 मौत हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 162 है। नंबर 9, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1597 नए मामले सामने आए, इस दौरान 1623 लोग डिस्चार्ज हुए और 25 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17100 है। नंबर 10, पुदुचेरी में आज 64 नए कोरोना मामले, 1 मौत और 103 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 791 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 84 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कोरोना से 99 लोग ठीक हुए हैं, 3 की मौत हुई है, सक्रिय मामले 838 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 809 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1160 लोग डिस्चार्ज हुए और 10 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11142। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4 मामले सामने आए हैं, इस दौरान 8 लोग डिस्चार्ज हुए और मृत्यु की संख्या 0 रही, सक्रिय मामले 73 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13834 नए मामले, 13767 रिकवरी और 95 मौत हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 142,552 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमण मामले, मौत की संख्या 0 और 7 ठीक हुए, सक्रिय मामले 115 है। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए हैं, 12 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से मौत की संख्या 0 है, सक्रिय मामले 76 है। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 183 नए मामले सामने आए, 181 लोग डिस्चार्ज हुए और कोरोना से 3 की मौत हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 1694 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 159 नए मामले सामने आए, इस दौरान 187 लोग डिस्चार्ज हुए और 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 2232 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 3 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए और 15 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान मृत्यु की संख्या 0 दर्ज की गई, सक्रिय मामले 41 है। नंबर 20, ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 777 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 691 लोग डिस्चार्ज हुए और 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 4865 है। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए, इस दौरान 42 लोग डिस्चार्ज हुए और मृत्यु की संख्या 0 रही, सक्रिय मामले 239 है। नंबर 22, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3105 नए मामले सामने आए, 3164 लोग डिस्चार्ज हुए और 50 लोगों की मृत्यु हुई, सक्रिय मामले 36371 है। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35 नए मामले सामने आए, 35 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और मौत की संख्या 0 रही, सक्रिय मामलों की संख्या 159 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 32 नए मामले आए, 23 रिकवरी हुई और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 409 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 54 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 43 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 की मृत्यु दर्ज की गई और सक्रिय मामले 429 है। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए, इस दौरान 45 लोग डिस्चार्ज हुए और मृत्यु की संख्या 0 रही, सक्रिय मामले 277 है। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 133 नए कोरोना मामले, 138 रिकवरी और 1 की मौत दर्ज की गई, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1339 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 115 नए मामले सामने आए, इस दौरान 108 लोग डिस्चार्ज हुए और मृत्यु की संख्या 0 रही, सक्रिय मामले 1666 है। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 1170 नए मामले
मामले सामने आए हैं। इस दौरान 729 लोग डिस्चार्ज हुए और 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 15,684 है। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोरोना से जुड़ी हर एक न्यूज के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।